स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। और देखिए इस स्टॉक में वापस से वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो निचले स्तरों से जिस प्रकार की शानदार तेज़ी, जिस प्रकार की ज़बरदस्त रैली आई है वो अपने आप में फिनोमिनल है। खास करके Q4 के नंबर्स के बाद, तो क्योंकि देखिए Q4 के जो नंबर आए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, उसके बावजूद क्या नंबर है मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बावजूद स्टॉक में जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल रही है, अब निवेशक ये कह रहे हैं कि भाई क्या एक जो डेड कैट बाउंस टाइप की स्थिति बनी हुई है, क्या यहाँ से अब स्टॉक से निकल जाना चाहिए या यहाँ से जो ये रैली की शुरुआत हुई है ये अब एटलीस्ट कहाँ तक जाके रुकेगी, क्या इसका कोई अंदाज़ा हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। आप अगर पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में पिछले काफ़ी समय से मैं लगातार वीडियोस बना रहा था और हमेशा कह रहा था कि भाई देखिए SIP मोड में एक्यूमुलेट करने का ये सबसे अच्छा समय है, ठीक है। तो हम वहाँ पर अपनी एक्यूमुलेशन जारी रखे थे। तो अब जब एक प्रकार की तेज़ी आ गई है तो अब हमको क्या करना है इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए स्टॉक की तरफ HUL लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे 1.5%, जी हाँ दोस्तों 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी हुई है। और ये जो तेज़ी है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है पता है आपको, 2350, जी हाँ 2350 के एक बड़े रेजिस्टेंस को HUL तोड़ करके ऊपर गया है और ऐसा तोड़ के ऊपर गया है कि काफ़ी हद तक सस्टेन किया। और देखिए 2365 के ऊपर स्टॉक बंद हुआ है और एक समय में एक लंबा कंसोलिडेशन बेस रहा दोस्तों दिन भर आप देखें, और जब बाज़ार बंद होने का समय है तो ऊपरी स्तर पर, और ये एक मैं कहूँगा बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आप एक लाइन देख रहे हैं ये कल, यानी मैं कल की बात करूँ 10 मई की, 2350 इसके ऊपर गया, फिर पूरे दिन भर लगभग ये कौन सा समय आप देखें यहाँ पे, ये समय लगभग 10 बजे का, सुबह 10 बजे से लेकर के स्टॉक पूरे के पूरे आप कह सकते हैं 1 मिनट ये है 3 बजे के आसपास ये 2350 के ही ऊपर नीचे 5-10 रुपये ऊपर नीचे करता रहा, यानी 2350 एक निर्णायक आप कह सकते हैं लेवल था, बाज़ार बंद होने के बाद ऊपर बंद हुआ है। तो एक चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपका 2350 आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है 2350 आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अब मैं जब 6 महीने पहले जाता हूँ ना, स्टॉक ने 6 महीने पहले आप देखेंगे तो निचले स्तरों में एक समय में ये 2194 15 अप्रैल की बात है, और वहाँ से 15 अप्रैल और आज चल रही है मई, ठीक है 11 मई है, आप देखें स्टॉक ने 7.81% का रिटर्न आपको दे दिया है 2 महीने से भी, माफ़ कीजिएगा 1 महीने से भी कम समय में, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा था कि जो भी निगेटिविटी है, जो भी आप कह सकते हैं डिमांड को लेकर के इशू है, ठीक है, जो भी मार्जिन को लेकर के इशू है, वो सभी के सभी चीज़ें अब यहाँ पर बॉटम आउट होती दिखाई दे रही हैं और यहाँ से एक आपको जंप देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक ही समझा दूँ, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो HUL के पास है वो क्या है मैं आपको बता दूँ, वो है ये चीज़ दोस्तों, ठीक है, वो क्या है ये मॉनसून। अगर भारत में मॉनसून मैं कहूँगा एवरेज टू अबव एवरेज आता है, और देखिए IMD ने कहा है कि भाई अल नीनो नहीं लाल लीना इफेक्ट आने वाला है, अगर ऐसा होता है, और वो कब की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगस्त से सितंबर की बात की जा रही है, अगर आता है लाल लीना, ठीक है, और एक काफ़ी अच्छी बारिश हो जाती है तो भैया फिर तो लिटरली ऑन लिटिल मैटर आपको यहाँ पर एक आप कह सकते हैं ये चीज़ कि आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा है एज अ इन्वेस्टर जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में आपको HUL में यहाँ से एटलीस्ट जो 2500 का लेवल है वो देखना है। अगर स्टॉक 25, क्योंकि देखिए 2500 एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है, और मैं ह्यूमंगस रेजिस्टेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ देखिए, ये गैप,
ये टूट करके अगर जाएगा तो इसको 2500 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये जाता है दोस्तों 2500 के ऊपर तो फिर 2600 का लेवल इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन अब ज़्यादा लेवल की बात करने की बजाय उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको ये देखना है कि रिजल्ट कैसे आए थे सबसे पहले। तो देखिए अगर आप कंपनी का रिजल्ट देखेंगे ना, वन मिनट मैं लेके चलता हूँ, ये मार्च क्वार्टर का नंबर है, 15,210 करोड़ रुपीज़। एक साल पहले कितना था? 15,215। यानी ईयर ऑन ईयर आपकी प्रोग्रेस ही नहीं हुई है, और ये प्रोग्रेस पिछले आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, पिछले 7 क्वार्टर से आप कहीं नहीं गए हैं, पिछले 7 क्वार्टर से, ठीक है, पिछले 7 क्वार्टर से आप जहां हैं लगभग लगभग वहीं हैं। 200-400 करोड़ रुपए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे आप करते रह जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखें यहाँ पे तो कंपनी का आप यहाँ पर पाएंगे कि वन मिनट नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 2561 रहा है, जो एक साल पहले 2601 करोड़ था। आपकी EPS एक साल पहले 11 रुपए के ऊपर थी, जो अब घट करके 10 रुपीज़ एंड 89 पैसा हो गई है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि भैया प्रॉब्लम तो होती ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अगर मानसून अच्छे तरीके से आता है, अगर तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, ठीक है। आप कहाँ हैं, अब बात कर लेते हैं कि भाई ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं। तो उनका ये मानना है दैट जो मोतीलाल ओसवाल है, उसका मानना ये है कि भाई जो हिंदुस्तान लीवर का वॉल्यूम ग्रोथ है वो अब बॉटम आउट हो चुका है। पिछले 7 क्वार्टर से आप जो देख रहे हैं ना, जो एक प्रॉब्लम आ जा रही है कि कहीं से भी डिमांड नहीं देखने को मिल रही, तो वो अब ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रेजुअल वॉल्यूम रिकवरी आपको देखने को मिलेगी फाइनेंशियल 25 में, ठीक है। और एक्चुअल का जो वाइड प्रोडक्ट बास्केट है और जो प्रेजेंस है दोस्तों अक्रॉस प्राइस सेगमेंट में, ये कंपनी को हेल्प करेगा अचीव अ स्टेडी ग्रोथ रिकवरी। एक स्टेडी ग्रोथ रिकवरी कंपनी को अचीव करने में ये फ़ायदा देगा, ठीक है। आप देखें एक टर्न अराउंड का भी स्कोप है दोस्तों ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में, और फूड आप कह सकते हैं फूड और रिफ्रेशमेंट में। वी मॉनिटर द एग्जीक्यूशन दी सेवन अंडर द न्यू CEO, और जो न्यू CFO साहब हैं, ठीक है, जो नए CEO साहब माफ़ कीजिएगा, वो आने वाले समय किस तरह काम करते हैं ये देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि HUL में आप तभी इन्वेस्ट करें अगर सोच रहे हैं तो, जब आपका विजन लंबा हो और आप ये जानते हो कि यहाँ से कोई 5-6 गुना पैसा नहीं होने वाला, ये आपको 10-20% का रिटर्न आपको दे सकता है। और मोतीलाल ओसवाल ने 2900 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पे बात की हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।